आसाम में जिस तरीके से अकलियती बस्ती मुनादिम करने के बाद पुरअमन मुजाहिदीन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, यकीनन ये बात बहुत ही काबिले मजम्मत है। इसी ताल्लुक से रोजनामा इंकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है, आसाम में पुलिस की बर्बरियत पर मिल्ली रहनुमाओं का शदीद रद्दअमल। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। आसाम के दारांग जिले के सीपाझार इलाके में गैर कानूनी कब्जा हटाने के नाम पर दहाइयों से आबाद अकलियती बस्ती में इंतजामी कार्रवाई के दौरान पुलिस की बर्बरियत पर मिल्ली रहनुमाओं ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। काबिले जिक्र है कि पुलिस की गोलियों से बेघर होने वाले कम अज कम 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुताबिक जख्मी हैं। इस सिलसिले में जो वीडियो मंजर आम पर आया है, उसने आसाम पुलिस के वहशीपन और जालिमाना चेहरे को बेनकाब कर दिया है। वीडियो में पुलिस अहलकार उन गरीब मुजाहिदीन को दौड़ा दौड़ा कर मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने घरों के उजड़ने के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस अहलकार न सिर्फ मुजाहिदीन को दौड़ाते हुए उन्हें लाठियों से मार रहे हैं, बल्कि गोलियां भी बरसा रहे हैं। पुलिस की बर्बरियत के दौरान का एक इंतहाई इंसानियत सोच वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की जानिब लकड़ी लेकर दौड़ते हुए एक शख्स को गोली मार दी जाती है। गोली लगने के बाद जब वो जमीन पर गिर पड़ता है, तो पुलिस अहलकार उसके मुर्दा जिस्म पर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, पुलिस के साथ मौजूद एक कैमरामैन भी इसके मुर्दा जिस्म पर कूदता है, उसे घूंस से मारता है और मुसलमानों के खिलाफ अपनी शदीद नफरत का इजहार करता है। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मिल्ली रहनुमाओं ने इस वाकये की शदीद मजम्मत करते हुए इस पर दुख के इजहार के साथ हाथी अहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बेबस और निहत्ते लोगों के खिलाफ होने वाली पुलिस कार्रवाई को इंतहाई वहशियाना करार देते हुए कहा, ये जुल्म ऐसा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जुल्म बर्बरियत का जो नंगा नाच वहाँ हुआ है, इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। ये जुल्म हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज को ताकत के जरिए कुचलने के लिए गैर कानूनी और तशद्दुद का ऐसा दहशियाना तरीका इख्तियार करना, जिसे देखकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, किसी भी मुहद्दब समाज के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। मौलाना अरशद मदनी ने ये भी कहा कि ये इंसानी हकूक के संगीन पामाली का मामला है, इसलिए कि अगर वो लोग सरकारी जमीन पर आबाद थे तो कानूनी तौर पर पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। दूसरे, वो कोई गैर मुल्की नहीं है, इसी मुल्क के शहरी हैं और 50 साल से आबाद हैं। उन्होंने कहा, हमें ये बताया गया है कि आबादियों के उजाड़ने के इस मुहिम में 2 मस्जिदों को शहीद करने के साथ साथ एक मदरसे को भी मलबा का ढेर बना दिया गया है। वहाँ के लोग खुद को इस तरह जबरन बेघर किए जाने के खिलाफ जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे, लेकिन रियासती सरकार को गालिबन ये जमहूरी एहतजाज रास नहीं आया और गोली चलवा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग शदीद जख्मी हैं। इसी तरह जमीयत उलमाए हिंद के दूसरे ग्रुप के कौमी सदर मौलाना सैयद असद महमूद मदनी ने आसाम में पुलिस की वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस सिलसिले में मौलाना महमूद मदनी ने वजीर दाखिला अमित शाह और आसाम के वजीर आला हेमंत कुमार बिस्वा को मकतूब इरसाल कर इस वहशियाना कार्रवाई को अंजाम देने वाले अफसरान पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। इसके अलावा कार्रवाई में उजाड़े गए खानदानों की बाज आबादकारियों माकूल मुआवजा देने का मुतालबा किया है।
मौलाना महमूद मदनी ने अपने मकतूब में कहा है कि अपने ही मुल्क के मुजाहिदीन के साथ गैर कानूनी और पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार करने को कोई भी मुहज़्ज़ब समाज कबूल नहीं कर सकता। ये इंतहाई पागलपन और जुनूनी रवैये का मुजाहरा है जिसे देखकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। मौलाना मदनी ने मकतूब में चार मुतालबात किए हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मंजूर आलम ने इस वाकये में मुलविस तमाम पुलिस अहलकारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि आसाम में 800 लोगों के मकानात को मुनादिम करना और उन्हें बेयारों मददगार छोड़ देना गैर इंसानी सुलूक और बदतरीन जुल्म है। जिन लोगों को बेघर किया गया है वो यहाँ के शहरी हैं, उनके पास सभी सबूत हैं। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने मजीद कहा कि पस्ताइयत और नफरत हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है। मुर्दा लाश पर जिस तरह एक फोटोग्राफर हमला कर रहा है वो शर्मनाक है। ऐसे बेजमीर और शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। आसाम के दोरांग जिले में पुलिस की बर्बरियत को सरकारी दहशतगर्दी करार देते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर कासिम रसूल इलियास ने आसाम के वजीर आला को बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए इनसे फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये वाकया रियासती दहशतगर्दी है जिसके तहत एक जमहूरी मुल्क में रहने वाले बंगाली मुसलमानों की नस्ली सफाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आसाम की रियासती हुकूमत ने इस वाकये पर अदालती तहकीकात की बात की है जिसमें दो अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। ताहम ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए किया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि आसाम हुकूमत की इस जानिबदाराना कार्रवाई के खिलाफ अज़े खुद मुकदमा कायम किया जाए। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर। जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरियत की है अब देखना ये होगा कि इस मामले में सबसे सख्त कार्रवाई का मुतालबा जो मिल्ली रहनुमाओं ने किया है तो कार्रवाई होती है या नहीं होती। दूसरा इंसान की रिपोर्ट MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली।